राष्ट्रीय जनता दल लोहरदगा के जिला अध्यक्ष बने शकील अख्तर, कहा पिछड़े व गरीब समुदाय के लोगों का आवाज बनेगा राजद। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने लोहरदगा में संगठन के विस्तार करते हुए लोहरदगा राजद जिला अध्यक्ष के पद पर समाज सेवी शकील अख्तर को मनोनीत किया है। इसके अलावा उन्हें शीघ्र ही जिला कमेटी का विस्तार कर प्रदेश नेतृत्व को अनुमोदित कराने के लिए कहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड प्रदेश जिला संगठन को सुदृढ़ एवं धारदार बनाने में शकील अख्तर की सक्रिय भूमिका होने की उम्मीद की है। पार्टी के संगठनात्मक व रचनात्मक कार्यों में योगदान देने की उम्मीद जताई गई है। इस संदर्भ में राजद के नवनीत जिला अध्यक्ष शकील अख्तर ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की घोषणा नीति पर राजनीति करती है। लोहरदगा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में राजद की सोच जन जन तक पहुँचाया जाएगा। समाज के दबे कुचले पिछड़े व गरीब समुदाय के लोगों के लिए राजद आवाज बनेगा। इसके लिए लोहरदगा जिले में राजद का सशक्त और धारदार संगठन शीघ्र बनाया जाएगा। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा ब्यूरो, अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। हमारे अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल लोहरदगा जिला के। पहले जो अध्यक्ष थे उनका मनोनयन एक साल पूर्व हुआ था, एक साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी तक पूरे ना तो संगठन के प्रति उनका रुचि रहा, ना और किसी कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी या और पार्टी का जो कार्यक्रम है उसका उन्होंने सही से जिला प्रदेश का निर्देश को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया, ना कोई कार्यक्रम ऐसा किया। तो संगठन विस्तार को देखते हुए जनता दल में जानदार और धारदार संगठन मजबूत करने के लिए भाई शकील अहमद जी को हम लोग लाए हैं, इनको नया जिला अध्यक्ष मनोनीत किए हैं। ये हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभय कुमार सिंह जी और पूरे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कमेटी को हार्दिक बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमको तीसरा बार राष्ट्रीय जनता दल का जिला का कमान दिया गया है। और मैं इस पर राष्ट्रीय जनता दल का जो सिद्धांत है, जो नियम है, जो कानून है, इसको पालन करते हुए हम सभी का निर्वहन करेंगे और काम करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल का जो सोच है, जो गरीबों का मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव का जो संदेश है, मैं हर जिला गाँव पहुँचाने का काम करेंगे। और राजद को लोहरदगा में एक मजबूत पार्टी, एक मजबूत दल के रूप में मजबूत करके लाएंगे। और हम लोग आने वाले पंचायत चुनाव में दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और हम लोग फतह भी हासिल करेंगे। और लोहरदगा में अब कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से अफवाह फैलाया जा रहा है वैक्सीन के द्वारा, कोरोना के द्वारा, तो हम लोग जन जागृति अभियान भी चलाएंगे और लोगों के बीच जा करके हम लोग सैनिटाइजर और मास्क का भी वितरण भी किया जाएगा। और साथ ही पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों शोर से चलाया जाएगा। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।